हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों, बताने की तो जरूरत ही नहीं है, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आरपीआर पेंसिलरी 2019 के बारे में। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर प्लीज वीडियो बनाइए बनाइए, तो मैं दोस्तों वीडियो लेकर आ गया हूँ। और पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था उन कैंडिडेट के नाम जिनका आरटीआई सक्सेसफुल हो गया था। आप दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नाम और कुछ उन कैंडिडेट के नाम बताऊंगा जिनका आरटीआई सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट के नाम बताऊंगा जिनको इन्फॉर्मेशन ही फिलअप नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी इसके बारे में भी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उन कैंडिडेट के नाम अभी प्रेजेंट में जिनका भी सक्सेसफुल है। हालांकि हर एक कैंडिडेट का नाम यहाँ पे नहीं बताने वाला, मैंने ऑलरेडी आप लोगों की ईमेल पर बाकायदा हर एक डिटेल्स हर एक इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी है। आपने यदि आरटीआई लगवाया है तो आप अपनी ईमेल आईडी पर जाइए, वहां पर देखिए, आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, एक दो कैंडिडेट के यहाँ पर नाम बता दूंगा, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कैंडिडेट के नाम की। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा नाम क्या है, यहां पर नाम है दोस्तों अरविंद कुमार। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं नाम है अरविंद कुमार और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट हुआ है वो देख सकते हैं ECRLY/R/E/20/00956। ये क्या है, ये वो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिनको बाकायदा अच्छे से नोट कर लीजिए, एंड इसके साथ साथ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, भली भांति रख लेना, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लॉन्ग टाइम तक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसा कि रूल से आरटीआई का 30 डेज में आरटीआई का रिप्लाई आ जाता है, बाय चांस यदि 30 दिन के अंदर नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको फर्स्ट अपील की यहाँ पर इजाजत है, मतलब आप फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। अब जब आपका फर्स्ट अपील लगाएंगे तो आपका यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको काम देगा, आपकी ईमेल आईडी आपको काम देगी। और दोस्तों एक बात और बता दूं, बाय चांस यदि आपकी फर्स्ट अपील भी एक्सेप्ट नहीं हो रही तो आपकी थर्ड अपील की प्रोसेस रहती है जो आपकी पूरी करनी रहती है, उसमें भी दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है आपकी ईमेल आईडी बाकायदा आपको लगानी होगी। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको जैसे भी जो बन रहा है आप कर लें। और आपको एक बात बता दूं, ऑलरेडी आपकी ईमेल अकाउंट पर हर एक इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी गई है, यदि आपने नहीं देखा तो जाइए ईमेल अकाउंट देखिए और अच्छे से हर एक इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, आपने जो जो पूछा था जैसा भी पूछा था हर एक चीज मैंने आपकी आईटीआई में फिलअप की है इंग्लिश में। ओके, मतलब यदि आप मेडिकल से रिलेटेड कुछ पूछा था, आपने पूछा था, आपका तो मेरे को पता नहीं है, मैंने पहले से ही लगा रखा है, अभी यहाँ पे हर एक कैंडिडेट का मेरे को याद नहीं, बट आपने जो जो पूछा है आपका हर एक चीज लगा दिया है। जैसे कि मैंने सेक्शन भी दिया है आप क्या पूछना चाहते हैं, उसमें आप जो फिलअप करते हैं उसको मैं बाकायदा अच्छे से पूछता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आपको बता दें, कुछ कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग का पूछा है, कुछ कैंडिडेट ने कट ऑफ का पूछा है, कुछ कैंडिडेट ने पूछा है कि आखिरकार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह बहुत से कैंडिडेट हैं और बहुत से उन लोगों के कमेंट हैं। जैसे कि मैंने हर एक की इन्फॉर्मेशन फिलअप की तब पता चला। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ गए अगली स्लाइड में और यहाँ पर नाम निकल के आता है जितेंद्र कुमार सैनी। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं इसलिए आपका दोबारा से बता रहा हूं, हालांकि मैंने शायद बता दिया है आपका नाम लास्ट वीडियो में, तो बता दिया है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं ECRLY यहां पर /R/E/20/00938, ये क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने भी यहां पर देख लिया होगा भली भांति। चलिए हम नेक्स्ट कैंडिडेट का देखते हैं अगला कैंडिडेट कौन है। दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम निकल के आता है पुलक मंडल जी का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ, कैंडिडेट के कमेंट आते हैं सर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो उनको यदि एक वीडियो में नहीं देख पाती तो दूसरी में देख लीजिए, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, आप अच्छे से देख लेना। आपके यहाँ पर जो है ECRLY
ऑब्लिक यहाँ पे क्या दिया है, आर ऑब्लिक ई ऑब्लिक 20.00937। जैसे कि सबको बताया है, आप अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी इसको सुरक्षित रख सकते हैं, आपको बाकायदा रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं बताता हूँ, कुछ कैंडिडेट के नाम मैंने यहाँ पे बता ही दिए हैं और कुछ कैंडिडेट के मैं नाम यहाँ पे नहीं बताने वाला, ऑलरेडी मैंने ईमेल पे इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे उन कैंडिडेट के नाम भी बताना चाहूंगा जिन कैंडिडेट का आरटीआई एक्सेप्ट नहीं हुआ है। रीजन, ऑलरेडी उनका आरटीआई लगा हुआ था, रीजन अब उनका आरटीआई इनवैलिड हो गया है। चलिए बताता हूँ उनके नाम। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ अगले स्लाइड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम है क्या, अतुल अरविंद जी का ऑलरेडी हो गया है, मैंने बताया भी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अतुल, अतुल ने 2 बार एक्सेप्ट आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट की, बट इनका आपको बता दूं, अतुल जी का पहले से ऑलरेडी आरटीआई हो रखा था, इन्होंने फिर से बोला सर आरटीआई लगा दीजिए, मैंने इनका करीबन 5 बार ट्राई किया, इनका आरटीआई नहीं हुआ एक्सेप्ट। फिर इसके बाद मैंने इनसे बोला कि आपका आरटीआई हो गया है, तो इन्होंने बोला सर मेरा पहले से हो गया था। फिर इन्हें अपना जो आरटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिया, उससे किया लेकिन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, इनका जो आरटीआई था इनवैलिड हो गया। अब दोस्तों इनके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो इनके लिए एक एंड एक मात्र ओनली सॉल्यूशन निकल के आ रहा है क्या, यदि वो भी सक्सेस हो जाए तब। आपके लिए यहाँ पर नीचे लिंक एक क्रिएट की गई है, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका आरटीआई ऑलरेडी हो रखा था उनके लिए यहाँ पर फिर से इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। उस इन्फॉर्मेशन में आपको आपका जो जीमेल अकाउंट है, आपने लास्ट टाइम जिस आरटीआई में यूज किया था वो वाला नहीं देना, आपको न्यू जीमेल अकाउंट देना है। ओके, आप जहाँ कभी दें आपको वो देना है। और इसके साथ साथ आप जो कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं वो भी आप चेंज करके दीजिए, हम ट्राई करके देखते हैं, यदि हो रहा है तो अच्छी बात है और नहीं हो रहा है तो फिर इसका आप कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी के बाद यहाँ पर एक और पर्सन निकल के आता है क्या, विवेकानंद प्रभारी। तो यही हाल विवेकानंद जी का है, इनका भी ऑलरेडी पहले से आरटीआई हो रखा है। जी हाँ दोस्तों, पहले से मैंने इनका ट्राई किया 2-3 बार, तब जाके पता चला। और जब इनका मैंने आरटीआई नंबर वहां पे डाला फर्स्ट अपील में, तो इनका भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इनवैलिड आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनने आरटीआई पहले लगा दिया था बट उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप लोगों को फर्स्ट अपील करनी चाहिए थी। अब फर्स्ट अपील आप इतने इतने टाइम बाद कर रहे, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इनवैलिड हो गया, आपकी गलती। अब दोस्तों वो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट ने इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की, उनसे बना नहीं है। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिनका आरटीआई ऑलरेडी हो रखा था, जिनने फिर से अप्लाई किया है, मतलब कि आप जो जीमेल अकाउंट और कॉन्टेक्ट नंबर नया देंगे, और वो कैंडिडेट जिन्हें इन्फॉर्मेशन सबमिट ही नहीं किया, मतलब कि रघुवीर करके एक पर्सन है जिसे इन्फॉर्मेशन सबमिट करते ही नहीं आया, तो दोस्तों इन कैंडिडेट के लिए मैं यहाँ पर स्पेशली एक लिंक क्रिएट किया हूँ। यहाँ पर आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको बाकायदा वो लिंक मिलेगी। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सैमबॉय फॉर्मेट मिलेगा, जो कि पहले मिलता था इन्फॉर्मेशन आपकी डालने के लिए। बाकायदा आपका नाम, गांव, पता, हर एक इन्फॉर्मेशन, आपकी जीमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आप क्या पूछना चाहते हैं, हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैलिड है जो कैंडिडेट पहले से ऑलरेडी इस वाली लिंक को, मतलब कि इस लिंक पर जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, और वो कैंडिडेट जिन्होंने पेमेंट कर दिया बट इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं कर पाए। और जैसा कि मैंने नाम बताया, रघुवीर है, और यहाँ पे अतुल, और आपका जो विवेकानंद प्रभारी, इनके लिए जो सारी लिंक क्रिएट की गई है, नीचे आप जाइएगा उस लिंक पर, स्पेशली तीनों लोग अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सब बताना था जो मैंने बता दिया है, और यही आपका एक सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं सर ज्वाइनिंग कब होगी। तो डियर फ्रेंड्स यदि बात करें ज्वाइनिंग की, कि ज्वाइनिंग कब होगी, तो दोस्तों न्यूज की माने तो हमको जो न्यूज कलेक्ट हो रही है उसके तहत आप लोगों की ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंथ में होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, यदि आप रेलवे डिपार्टमेंट में अच्छे से देखेंगे तो आए दिन कोई ना कोई ज्वाइनिंग आ ही रही है, और मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी दोस्तों आपका नेक्स्ट वीक में, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में किसी भी वीक में आपके चांसेस जा रहे हैं। बट यदि आप ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली ऐसा कोई अपडेट नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अनुमानित है। ओके,
तो इसलिए ऑफिशियली अगर आप चाहते हैं कि ऑफिशियली रूप से जवाब मिले आपको डायरेक्ट डिपार्टमेंट से, तो इसके लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से प्रोसेस बता रखा है कि आप आरटीआई कैसे लगाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी आरटीआई लगा दूं, तो आप जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक होगी, अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करके जो चाहे वो पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड, चाहे फिर आपका ज्वाइनिंग हो, आपका मार्क्स हो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन कितना मार्क्स आया, हर एक वो चीज जो आपके एग्जाम से संबंधित थी। ओके, तो फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।